लक्ष्मी जी को अकेले बुलाओगी ना तो उल्लू में बैठ के आएंगी, उल्लू बना के चली जाएंगी। जो अकेले लक्ष्मी जी को बुलाता है, लक्ष्मी जी कभी टिकती नहीं है। अच्छा, लक्ष्मी जब प्रभु नारायण के संग जाती है ना तो उल्लू पर बैठकर नहीं जाती है। लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं, अकेले बुलाओगे तो उल्लू पर आएंगी, और जो युगल बुलाओगे मतलब नारायण सहित लक्ष्मी बुलाओगे तो उनका वाहन बदल जाएगा, फिर किस में आएंगी आप बताओ? हाँ, हाथी में कौन बोल रहा है? हाँ, जब भगवान जब पत्नी पति के साथ चलती है ना, देखो पत्नी तो जाती है तो अपना एक्टिवा स्कूटी उठाई चलेगी फुर्र, लेकिन जब पति के संग जाएगी, वो पति के पास कार है तो पति कार में बैठा के ले जाएगा। तो लक्ष्मी जी का अपना पर्सनल वाहन तो उल्लू है। जैसे कोई अकेले बुलाए ना, हे लक्ष्मी जी आप बस आओ, लक्ष्मी बोली आ रही हूं, तो जो उल्लू बना के चली जाऊंगी। इसलिए अकेले लक्ष्मी जी को मत बुलाया करो, भगवान नारायण को बुलाओ। जब प्रभु नारायण को बुलाओगे तो लक्ष्मी जी उनके संग ही आएंगी, पत्नी कहां जाएगी। तो जब लक्ष्मी जी नारायण के संग आती हैं तो गरुण जी पर बैठ करके आती हैं। किस पर बैठकर आती हैं? आपने कभी जगन्नाथ जी गए हो तो वहां मंदिर के द्वार पर गरुण स्तंभ है। हमारे भारत में आप यहां रंग जी जाइएगा वृंदावन में, सोने का खंबा है जहां, वहां उस सोने के खंबा पर कौन बैठे हैं? गरुण जी, गरुण स्तंभ बोलते हैं। हम भारतीयों के मंदिर जब जब जहां जहां रहे वहां पर गरुण स्तंभ जरूर रहा। कौन रहा? गरुण स्तंभ, गरुण जी। एक तरफ गरुण जी और दूसरी तरफ हनुमान जी। गरुण जी पर सवार होते हैं हमारे भगवान। किस पर सवार होते हैं? और जो लक्ष्मी भगवान नारायण के संग गरुण में बैठकर आती हैं, वो आती तो हैं पर कभी जाती नहीं है, रह जाती हैं। और जो लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आती हैं, वो जल्दी भाग जाती हैं। इसलिए अकेले लक्ष्मी की उपासना नहीं, प्रभु नारायण के संग। आपके घर पर ना भगवान नारायण का, आपके घर में गोपाल जी तो होंगे, बोलो हाँ या ना। पर आपके घर में एक चीज और होनी चाहिए, कुछ लोगों के घर में है, कुछ लोगों के घर में नहीं है, होनी चाहिए। आपके घर में भगवान नारायण का एक ऐसा धातु की प्रतिमा होनी चाहिए जिसमें प्रभु आराम से लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। आपके घर में भगवान के ये विग्रह जरूर होने चाहिए, धातु के या पत्थर के, जो आपको मिल जाए कि भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके, जिस स्वरूप को आप लोग देखते हैं बैकुंठ में, बैकुंठ में भगवान शेष नाग के ऊपर लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके, घर में लक्ष्मी जी बैठी हुई होनी चाहिए, खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। खड़ा हुआ व्यक्ति तो जल्दी चला जाएगा, बैठा हुआ तो बैठी। तो जब नारायण लेटे होंगे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही होंगी, तो ये स्वरूप आपके घर में धातु में होना चाहिए ताकि आप उनको रोज स्नान करा सको, रोज तिलक करा सको, चरणामृत पी सको और भगवान को इस रूप में प्रणाम कर सको। इस प्रतिमा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ये आपके घर में होनी चाहिए, जिन्हें बोलते हैं श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण। हमारे घर में क्या होने चाहिए? लक्ष्मी नारायण भगवान, लक्ष्मी जी चरण दबाते हुए, ताकि वो आपके घर पे ही बैठ के दबाएं, फिर उन्हें कहीं जाए, दोनों पति पत्नी होंगे तो कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। आपके घर को ही फिर वो अपना ठिकाना बनाए, मैया यहीं रहो, उनकी प्रॉपर पूजा करो, भगवान श्रीमन नारायण को रोज नहलाओ, उनको लक्ष्मी मैया को नहलाओ और
अच्छा ये बताओ, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, इस संसार की सबसे पहली प्रतिमा कौन सी है? इस संसार की सबसे पहली मूर्ति कौन सी है? हमने कई बार आपको बताया है कौन सी है संसार की सबसे पहले। कोई आपसे सवाल कर ले कि दुनिया की सबसे पहली मूर्ति कौन सी है, सृष्टि की सबसे पहली प्रतिमा, मूर्ति पूजा जब स्टार्ट हुई तो पहली मूर्ति कौन थी और वो कहां है, और आपको आश्चर्य होगा इस संसार की वो पहली प्रतिमा आज भी है और आज भी पूजा हो रही है। बताओ कौन? कौन है वो मंदिर? बताओ हमारे देश में वो कौन सा मंदिर है जिस मंदिर में इस संसार की पहली प्रतिमा विद्यमान है, पहले ठाकुर विद्यमान है? बताओ। सतयुग के भगवान, मतलब सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग, आज तक हैं वो, आज तक उनकी सतयुग से परंपरागत पूजा चली आ रही है। लाखों साल पुराना उनका इतिहास मौजूद है, लाखों साल। मोहन जोदड़ो हड़प्पा संस्कृति तो 1800 और 2000 साल पुरानी बात है, हम तो लाखों साल की बात कर रहे हैं। कौन है वो पहली प्रतिमा? दशरथ जी का नाम क्या था पिछले जन्म में? क्या था दशरथ जी का नाम? क्या था पिछले जन्म में? मनु। और कौशल्या मैया का नाम था? शत्रुपा। जब मनु शत्रुपा ने प्रभु से कहा, ये बात है सतयुग की, उस समय की जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, जब सृष्टि प्रारंभ हुई मतलब अभी सृष्टि शुरू हुई, अभी भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, अभी प्रारंभ काल है। तो मनु शत्रुपा ने घोर तपस्या की, 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की, तब भगवान प्रकट हुए। और भगवान जब प्रकट हुए तो मनु से कहा, मांगो, कुछ मांगो। तो मनु जी ने कहा, प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए, आपके जैसा। बोले अब हमारे जैसा बेटा? भगवान बोले, हमारे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन हम, आपने मांगा तो हम ही अब बेटा बन के आएंगे आपके, पर आएंगे त्रेता में। तो सतयुग से मनु जी जब तक रहे तो रहे, उसके बाद वो स्वर्ग में आनंद करते रहे। तो मनु जी ने कहा कि प्रभु आप तो त्रेता में आएंगे, तब तक हमें कोई आधार तो दो, हम आपकी उपासना कैसे करें। तब भगवान नारायण ने अपनी एक प्रतिमा उन्हें प्रदान की, ये लो हमारी प्रतिमा, ले जाओ और अयोध्या जी में स्थापित करो। मनु जी अयोध्या के राजा थे, तो मनु जी प्रतिमा लेकर के, भगवान ने जो प्रतिमा दी वो कैसी प्रतिमा थी? वही क्षीर सागर शेषनांग भगवान लेटे हैं, जस के तस, जैसे भगवान लेटे हैं। शेषनांग भगवान के गद्दा नहीं है ना, तो शेष भगवान के सुंदर से वो उस पर ही लेटे हैं, गद्देदार सांप, गद्देदार उस पर लेटे हैं, कुंडी पर, जो शेषनांग भगवान की कुंडी है उस पर लेटे हैं और ऐसे हाथ किए हुए हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। बिल्कुल इसी स्वरूप को, लक्ष्मी सहित स्वरूप को प्रभु ने प्रकट कर दिया, प्रतिमा को प्रकट किया और मनु जी को प्रदान किया। मनु जी लेकर अयोध्या जी आए, फिर मनु जी के वंश में जितने राजा हुए वो सब इनकी पूजा करते रहे, यहां तक कि मनु जी जब दशरथ बनकर आए तो इनकी पूजा की, प्रभु राम ने भी पूजा की। आपने सुना होगा एक बार कौशल्या मैया पूजा कर रही थी, तो मैया ने राम जी को दूध पिला के लिटाया पालने पर, और जब पूजा करने रंगनाथ भगवान के अंदर गई तो वहां भी राम, यहां वहां दुई बालक देखा। रामचरितमानस में शंकर जी स्तुति कर रहे हैं तो रंगनाथ भगवान का नाम ले रहे हैं,
शंकर जी बोले, बार बार बर मागऊं हरस दे हो श्रीरंग। श्रीरंग, श्रीरंग मतलब रंगनाथ जी। जो भगवान प्रकट हुए वो रंगनाथ भगवान थे, वो अयोध्या जी में बिराजे। जब राम राजा बने, 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए, तो राम जी के राज्य तिलक में विभीषण जी आए। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु हम आपसे कुछ मांगे। भगवान बोले मांगो। बोले आपके अयोध्या में ये रंगनाथ भगवान विराजे हैं, अब एक काम करो कि अब तो आप ही भगवान हो, अब यहाँ इनकी क्या आवश्यकता, आप हमें दे दो, हम लंका लेकर के जाएंगे। राम जी बोले ले जाओ। रंगनाथ भगवान को विभीषण जी लंका ले जाने लगे तो रंगनाथ जी ने बोला, सुनो तुम हमें लंका तो ले जा रहे हो, पर शर्त है हमें बीच में कहीं रख मत देना, यदि रखोगे तो फिर हम वहीं रह जाएंगे। अब विभीषण जी बोले बिल्कुल ही रखेंगे। अब विभीषण अपने विमान पर भगवान को रखे, पुष्पक विमान था विभीषण के पास, रावण वाला पुष्पक विमान में भगवान को पधराया, रंगनाथ भगवान को, और लेकर के चले। तभी विभीषण जी को ना लघु शंका आ गई। जब लघु शंका आई तो उन्होंने अपना विमान रोका और रोका तो वो जिस तरफ उतरने वाला था उसी तरफ भगवान को पधरा रखा था, तो जब तक भगवान को नहीं उतारेंगे तब तक वो उतर नहीं सकते थे। तो उन्होंने भगवान जी को भी उतार के वहां, वो भूल गए कि भगवान ने ये वचन लिया कि हमें कहीं रखना मत। तो विभीषण जी ने उनको जमीन में वहीं पधरा दिया, और जैसे ही रखा लघु शंका करके आए, स्नान इत्यादि करके जब आए तो उठाए तो उठे ही नहीं। भगवान बोले भूल गए, हमने बोला था ना हमें रखना मत। अब विभीषण जी रोने लगे, प्रभु क्या बताएं, वो गलती हो गई, आपको हमने रख दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं अपने भारत को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता, पर तुम एक काम करना कि मैं देखूंगा तुम्हारी तरफ, चिंता ना करो। इसलिए रंगनाथ भगवान का मुंह दक्षिण की तरफ है और तुम पूजा करने रोज यहीं आया करो। आज भी विभीषण जी रंगनाथ भगवान का पूजन करने आते हैं। विभीषण जी अमर है ना, तो विभीषण जी आज भी आते हैं। तो जो पहला मंदिर है, जो पहली प्रतिमा है, वो रंगनाथ भगवान की प्रतिमा है। ये देखिए, ये टीवी पर आप देख सकते हैं, ये रंगनाथ भगवान है, ये रंगनाथ भगवान टीवी पर आप देखिए, ये रंगनाथ भगवान है लेटे हुए। तो भगवान विराजे हैं, ये रंगनाथ भगवान है। श्री रंगम गोदावरी नदी के तट पर आज भी मंदिर है श्री रंगम। अभी राम जी की प्रतिष्ठा के पहले मोदी जी भी गए थे वहां दर्शन करने श्री रंगम। आप कभी दक्षिण जाओ ना तो सब जगह जाओ, कहां कहां जाओ। जैसे आप लोग रामेश्वरम जाते हैं, रामेश्वरम के पास ही है श्री रंगम, फिर वहीं पास में तिरुपति बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी, श्री रंगम, रंगनाथ जी और शिव जी, रामेश्वरम, ये तीनों दक्षिण में ही हैं और 300-300 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लगभग कंफर्म हम नहीं कह सकते, लगभग 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की दूरी है। ये दास दर्शन किया है तीनों स्थानों का। तो वहां पर रंगनाथ भगवान है, रंगनाथ भगवान की बहुत महिमा है। रंगनाथ जी की पूजा श्री रामानुजाचार्य जी करते थे। ये हमारे दर्शन कीजिए रामानुजाचार्य जी। ये जो रामानुजाचार्य जी हैं, आज से 1000 साल पहले इस धरती पर आए। क्यों आए? बोले पाप इतना बढ़ गया, अत्याचार इतना बढ़ गया, तो लक्ष्मी माँ ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, जाओ तुम दर्शन दो और लोगों पर धर्म की स्थापना करो। तो रामानुजाचार्य जी आते हैं, लक्ष्मण जी ही रामानुजाचार्य जी के रूप में आए।
आज से लगभग 1000 वर्ष पहले और रामानुजाचार्य जी ने खूब धर्म की स्थापना की, भक्ति का प्रचार किया, प्रेम को प्रचारित किया कि प्रभु से प्रेम करो बस। रामानुजाचार्य जी आए और जब इनका जीवन कार्यकाल पूरा हुआ, जब इनकी अंतिम घड़ी आई और जब इन्होंने प्राण विसर्जित कर दिए, प्राण त्याग दिए, तब इनके शिष्यों ने, ये घटना है, ये घटना भी वहीं रंगम की है, रंगनाथ जी की, रंगनाथ मंदिर के अंदर रंगनाथ भगवान की पूजा आप करते थे। फिर जब इनका शरीर पूरा हुआ श्री रामानुजाचार्य जी का, स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी का, तो इनके शिष्यों ने कहा चलो अब समाधि कर देते हैं, तो जमीन में गड्ढा खोदा और इनको विसर्जित किया। तो रंगनाथ भगवान रोने लगे, रंगनाथ भगवान बोले मेरे रामानुज का अंतिम संस्कार मत करो। अरे तो प्रभु अंतिम संस्कार ना करें, रामानुजाचार्य जी से रंगनाथ भगवान सीधी बात किया करते थे, रंगनाथ भगवान रामानुजाचार्य जी से बात किया करते थे, तो भगवान रो पड़े, बोले रामानुज को मत समाधि दो, मत अंतिम संस्कार करो। बोले फिर क्या करें, बोले मेरे सामने बिठा दो। आप आश्चर्य मानेंगे, मैं ये पहले भी बता चुका हूं, आप आश्चर्य मानेंगे कि रामानुजाचार्य जी का शरीर आज भी 1000 साल बाद, इस बात को 1000 साल हो गए, आज भी उनका शरीर जस की तस रखा है, आप लोग देख सकते हैं, हम सब लोग देख सकते हैं। ये देखिए उनका ओरिजिनल शरीर है टीवी पर, ये उनका ओरिजिनल शरीर है, कोई मसाला और कोई ईंट पत्थर का सीमेंट का शरीर नहीं है, ये ओरिजिनल, वही हड्डियां वही चमड़ी, ये 1000 वर्ष पुराना शरीर है और आप लोग दर्शन कर सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आकर रिसर्च की कि भाई इतना पुराना शरीर हमारा, तो आपका शरीर तो देखो 100 मतलब दिन दो दिन पांच दिन में ही बदबू मारने लग जाएगा, पर रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी का बता रहे हैं ना, और उनसे प्रेम भगवान करते हैं, तो भगवान ही तो पंच तत्वों को देने वाले हैं, वो बचाए रखे तो सदा रहेंगे। तो आज भी तिरुपति वाला रंगम में भगवान रामानुजाचार्य जी का शरीर आज भी है। हमारे जो आचार्य हैं वो श्री रामानुजाचार्य जी हैं, हमारी संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय कहाँ से स्टार्ट हुई, माता लक्ष्मी जी से। हमारी तो आचार्य ही माता लक्ष्मी है, इसलिए कहता हूँ कि भगवान नारायण लेटे हों और मैया चरण दबा रही हों, फिर देखना आपके घर सदा लक्ष्मी जी का वास होगा, और बस सदा आपस में जय श्री मन्नारायण बोला करो, हाय हालो मत बोला करो, जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आपके जीवन में जो मुसीबत आती है, संकट आता है, कष्ट आता है, दुख आता है, विपत्ति आती है, वो कौन देता है, आप उत्तर दीजिए, कौन देता है, भगवान। आप कह रहे हैं भगवान जी दुख देते हैं, तो बताओ भगवान की आपसे कोई दुश्मनी है, क्यों देते हैं भगवान, आप भगवान पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अच्छा बताओ आपके जीवन में जो दुख आता है, संकट आता है, उसका वो कौन देता है, दादाजी आप बताएंगे, सफेद मूछों वाले दादाजी बताएंगे, आपके जीवन में जो विपत्ति आती है, दुख आता है, संकट आता है, वो आपको कौन देता है, भगवान देते हैं, आप मतलब स्वयं, ये समझदारी की बात हुई। हम लोग आरोप भगवान, भगवान आपने दुख दिया, भगवान आपने, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, भगवान कभी किसी को मुसीबत पर नहीं डालते, आपका अपना कर्म ही, आपके अपने अच्छे या बुरे कर्म ही आपको उसका फल प्राप्त होता है। जो आज आपके जीवन में विपत्ति है, संकट है, वो आपके किसी ना किसी जन्म के कर्मों का दंड है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, हर व्यक्ति अपने किए कर्म का फल भोगता, जैसी करनी। एक मैया बहुत मोटी थी, अरे महाराज भगवान ने तो हमारे को मोटा कर दिया, दिन भर हलवा खाती है मैया, दिन भर पिज्जा बर्गर खाती है,
और कहती है भगवान ने मोटा कर दिया, खाने में कंट्रोल नहीं है खुद का, और आरोप भगवान को कि भगवान ने मोटा कर दिया। हर व्यक्ति अपने दुख का जिम्मेदार स्वयं है। खाने में कंट्रोल क्यों नहीं, क्या खाना चाहिए ज्यादा, आप बताइए आपका वेट कितना है, 100 किलो, 80, 85 कि 90, 85 है तो इतना वजन अच्छा लगता है आपको, आप खुश हैं अपने वजन से, नहीं दुखी हैं, आप कम करना चाहते हैं अपना वजन, मैं उपाय बता दूं। देखिए हम हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान तुमने हमें ये दे दिया वो दे दिया, हम ये नहीं देखते कि हम कहां गलत हैं, हम कहां गलत हो रहे हैं, हम कहां रॉन्ग जा रहे हैं, हम अपने दुखों के जिम्मेदार हम ही हैं, कोई और, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि हम जीवन में खान पान अच्छा रखें अपना तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। क्या खाना चाहिए आपको, आप क्या खा, आप कितनी रोटी खाती हैं, 4 खाती हैं, इतनी मोटी हैं फिर भी 4 खा लेती हैं, 4 तो हम भी नहीं खाते, और चावल कितना खा लेती हैं, 1 भी नहीं कुछ। अब हम बता रहे हैं आपको जो वो खाना है आपको, 1 महीने के अंदर आपका वेट आपको देखने को मिल जाएगा, माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा, 6 महीने के अंदर आप फिट हो जाएंगे। सुनिएगा, हमें स्वास्थ्य को भी अपना स्वस्थ रखना है, हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है। हमें अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम कि हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। आप दिन भर में कितना पानी पीती हैं, 4 गिलास, 4 लीटर, 4 लीटर तो बहुत कम है आपके वेट के हिसाब से, थोड़ा सा और ज्यादा, कितना, 20 किलो वजन पर हमें 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो यदि अब 40 किलो वजन है आपका तो 2 लीटर पानी पीजिए, 60 किलो वजन है आपका तो 3 लीटर पानी, और 80 का वजन है आपका तो 4 लीटर, और यदि आपका 100 है तो 5 लीटर। प्रत्येक 20 किलो पर हमें हमारे बॉडी को 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आपको इतना पानी पीना, पानी ज्यादा पीजिए, और रोटी और चावल बिल्कुल जरा सा खाना सीखिए, ज्यादा से ज्यादा सलाद, ज्यादा से ज्यादा 1 एप्पल रोज खाने का संकल्प लीजिए, 1 एप्पल, 1 सेब, 1 सेब रोज खाइए, 1 केला रोज खाइए, और 1 अनार का दाना रोज खाइए, 1 अनार रोज दाने निकालकर रोज खाइए। यदि आप 1 अनार, 1 केला, 1 सेब रोज खाते हैं, और सलाद में 1-1.5 ककड़ी खाते हैं, और आप दाल ज़्यादा पीते हैं, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, रोटी बस 1 या 2 ही खाते हैं, और कभी रोटी खा लिया तो कभी चावल खा लिया, आज रोटी नहीं खाएंगे आज कटोरी भर जरा सा चावल खाएंगे, कभी आज चावल नहीं खाएंगे आज रोटी अदल बदल के, और रोटियां भी 1 आटे की रोटी नहीं होनी चाहिए, आटे में गेहूं का आटा, सिंघाड़े का आटा, और उसमें चने का आटा, उसमें ज्वार का आटा, वो आता मक्का, क्या बोलते हैं, मक्के का आटा है ना, मक्के का भी आटा होता, मक्के का आटा है ना, बाजरे का आटा, ये सारे आटे हमें मिलाना चाहिए, और मिलाकर जब आप वो रोटी खाएंगे ना तो वो ज्यादा हेल्दी होगी, हाँ या ना। 5 प्रकार का 6 प्रकार का आटा मिला के खाना चाहिए, बच्चों को खिलाओ। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा पड़ा है, क्यों, खान पान आप लोग को लगता है, हमें यह कर लो बात, आप लगे हैं अपना काम करने में, आप अपना निपटाओ। सुनो, तो हम छोटे छोटे बच्चों को रोटी खिलाते हैं, 1 रोटी और खा ले 1 रोटी, रोटी में रखा ही क्या है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फल खिलाना चाहिए, अंकुरित अनाज खिलाना चाहिए। और आपको मैया 1 केला, 1 सेब, 1 अनार रोज खाना है, और ककड़ी टमाटर ज्यादा खाना, रोटी 4 नहीं खाएंगी आज से, आप सिर्फ 1 रोटी खाएंगी, आप तो आधी खाओ तो भी ठीक है, और पेट भरना, भूखे नहीं मरना, दाल पियोगी खूब। दाल कितने प्रकार की होनी चाहिए, आज हमने
ये दाल बनाई, कल हमने अदल बदल के दालें घर में बनानी चाहिए, आज ये दाल बनाई, कल वो दाल बनाई, परसों वो दाल बनाई, तो सारी कुछ प्रोटीन इस दाल में होते हैं, कुछ प्रोटीन उस दाल में होते हैं, कुछ विशेषक पोषक तत्व तो इस दाल में होते हैं, कुछ उस दाल में, मिक्स करके हमें करना। मैं 5 प्रकार की दालें रोज बनवा के खाता हूँ, सिर्फ दाल पीता हूँ, दाल पीता हूँ, सब्जी खाता हूँ, फल खाता हूँ, सलादें खाता हूँ, और जल पानी पीता हूँ, दूध पीता हूँ, बस। बाकी मैं रोटी चावल तो ना के बराबर ही खाता हूँ। इसलिए देखिए, आपके बीच में हमेशा भगवान ने शरीर दिया है तो उसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने शरीर दे दिया, अब आप बना लो, बिगाड़ लो, मर्जी आपकी। आप लोग उल्टा, आप लोग रोटी 10-10 खा जाते हैं, रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, चावल ही चावल खा रहे हैं, इतना भर भर के चावल खा रहे हैं, कुछ लोग तो चावल ही चावल खाते हैं। अरे दालें ज्यादा खाया करो। क्या ज्यादा खाना है, चलो बोल दो, ज्यादा क्या? दाल ज्यादा, सब्जियां ज्यादा खाओ, और आटा भी कितने प्रकार का मिला के खाएंगे। रोटी रोटी स्वादिष्ट के स्वादवाद के चक्कर में ना पड़ा करो, 5 प्रकार का आटा मिला के रोटी बनानी चाहिए। मैया हाँ या ना, सिंघाड़े का आटा भी जरा मिला लिया करो। मक्का बहुत फायदा करता है, मक्के का आटा बहुत, बाजरे का जानते हैं, बाजरे की रोटी खा ले, बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी बना लिया करो कभी कभी, बहुत ताकतवर होता है बाजरा, बहुत शक्ति से परिपूर्ण होता है बाजरा। बाजरा बाजरा मिलाओ, आटा मिलाओ, गेहूं का आटा मिलाओ, चने का आटा मिलाओ, बेसन जिसको बोलते हैं, ये सब मिला के फिर रोटी बनाओ बढ़िया, और रोटी भी मोटी, पतली रोटी नहीं, जरा सी मोटी रोटी। आपको पता है पतली से ज्यादा मोटी रोटी सुपाच्य होती है, पता है आपको? सबसे पतला होता है क्या? मैदा। मैदा सबसे बारीक होता है। आप बताइए, मैदा और आप मोटा सा आटा, मोटा आटा और मैदा तो बिल्कुल पतला होता है। मैदा खाने से ज्यादा नुकसान होता है, जबकि मोटा आटा नुकसान नहीं करता। इसका मतलब है कि हम ज्यादा भी ना बारीक कर लें, रोटियां ज्यादा भी पतली ना कर लें, हल्की सी ठीक ठाक रहें, और ज्यादा मोटा पहनना, मोटा खाना, ये बहुत उत्तम विधि है। लेकिन आज लोगों को पता ही नहीं, खाने पीने का ज्ञान नहीं है, और बड़े अपने आप को होशियार मानते रहते हैं, उन्हें नॉलेज ही नहीं है पानी कितना पीना चाहिए दिन भर में। शरीर आपके अनुसार चलना चाहिए। देखिए, मैं आपके पास रोज आता हूं 3.5 घंटे कथा सुनाने के लिए, ना मुझे इस बीच में प्यास लगती है, ना लघु शंका आती है। मैं आपके बीच में रोज 3.5 घंटे बैठता हूँ, और कब से बैठ रहा हूँ, जब से दास अनिरुद्ध भागवत कर रहा, तब से आज लगभग इस बात को 12 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए। ये नित्य सेवा है ठाकुर जी की, हम बैठे रहते हैं, ना लघु शंका आती है 3.5 घंटे के बीच में, ना प्यास। आप लोग पानी पीते हैं, पी लीजिए, अच्छा है। हम पानी भी नहीं पीते और ना इस दौरान लघु शंका आती, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम कब पानी पिएंगे तो कितनी देर में हम, आप बताइए पानी कितनी देर में पचता है, नहीं पता? कितनी? 5 मिनट में। लो अच्छा पढ़ लिए आप। पानी को पचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। आप ज्यादा पिएंगे तो 1.5 घंटे में आपको लघु शंका आ जाएगी। आप ढेर सारा, अच्छा जब वो आप वो डॉक्टर लोग ना, कोई चेकअप होता है, उसमें ढेर सारा पानी वानी पिलाते हैं, कोई होता कुछ क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जब होता है, कभी आप गए होंगे कराने, तो अल्ट्रासाउंड में पानी ज्यादा पिलाया जाता है, तो पानी आपको खूब पिलाने के लगभग 1 घंटे बाद आपको लघु शंका आती है। ज्यादा पानी पी लेंगे तो 1 घंटे में, और नॉर्मल पानी पिएंगे तो उस पानी को पचने में 2 घंटा लगता है। फिर भी आप 1 से 1.5 घंटा मान लीजिए, बेहतरीन पानी 2 घंटे में परफेक्ट पानी पच के बाहर आ जाता है, यूरिन के माध्यम से, लघु शंका के माध्यम से। तो कहने का अर्थ यह है, पानी को पचने में भी शरीर में कम से कम 2 घंटा लगता है। अभी पानी पिएंगे आप भरपेट, तो आपको 1.5 घंटे बाद लघु शंका आएगी, हाँ या ना? इस गणित के अनुसार मैं कथा में आने के, सोचो कितनी देर पहले पानी की टंकी पैक करता होऊंगा और कितनी देर मैं खाली करके फिर कथा में आता होऊंगा। इस गणित के अनुसार पूरा सिद्धांत गणित पर चल रहा है।
मैं बीच में लघुशंका नहीं जाता, क्योंकि मुझे शरीर की गणित पता है। मेरे को यह पता है कि मेरा शरीर कितनी देर में पानी मांगेगा। यहां से जाते ही मैं पानी पीऊंगा, 3 गिलास 4 गिलास। तो शरीर को, आपका शरीर है, मेंटेन करना आपका काम है। आप लोगों को पता ही नहीं, कुछ भी आया खा लिया, कभी भी खा लिया, खा के सो गए, मर जाओगे समय के पहले, जल्दी बूढ़े होकर के। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। पानी को पचने में लगभग 2 घंटा, और कम लो तो 1.5 घंटा। पानी को पचने में 2 घंटा लगता है। अधिक पानी पी लेंगे तो 1 घंटे में भी वो अपना काम कर देगा, प्रेशर बनाकर, क्योंकि अधिक पी लिया आपने। पानी को पचने में 2 घंटा। अच्छा बताइए, भोजन को पचने में कितना घंटा लगता है बताइए? आपका किया गया भोजन कितनी देर में पच जाता है, बोल दो फटाफट। 6 घंटा? गलत बोल रही है मेरी माँ, आप लोग भी मन लगा के बोलते हैं। चलो बताओ जल्दी, किसको हमने पिछली बार सब बताया था, भूल गए आप लोग? मैया बताओ, भोजन पचने में कितना समय लगता है? आप बताइए जी, आप बताओ जी। नहीं, चलो हम बता रहे हैं, भोजन को पचने में 4 घंटा लगता है। भोजन को पचने में 4 घंटा लगता है, जिसमें कि जो हम चावल गेहूं दालें खाते हैं, इनको 4 घंटा लगता है, जबकि फल जल्दी पच जाते हैं, तो भोजन 4 घंटे में, इसलिए 4 घंटे के गैप में ही भोजन करना चाहिए, समझ लो बात। यदि आपने अभी खा लिया है कुछ भी, तो अब से 4 घंटे बाद ही आप कुछ खाएंगे, वो पच जाएगा, फिर खाएंगे तो अब क्या, वो पचा नहीं और आपने और खा लिया, तो फिर वो अपच हो जाएगा, फिर पेट खराब होगा, फिर खून गड़बड़ हो जाएगा, फिर बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए जिसका खान पान शुद्ध है वो सदा स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोग बच्चों को और अपने आप को ये मेंटेन करेंगे, प्रत्येक बार के खाने में, एक खाने से दूसरे खाने में कितना गैप होना चाहिए, जोर से कम 4 घंटा। यदि आपने सुबह का नाश्ता 7 बजे लिया है, तो भोजन आप 11 बजे ही करेंगे, क्योंकि 7 से 11 कितना घंटा, 7, 8, 9, 10, 11, 4 घंटा हो गया, ठीक है। यदि सुबह का नाश्ता आपने 8 बजे किया है, तो भोजन 12 बजे। सुबह का नाश्ता 9 बजे किया है, तो भोजन 1 बजे, हाँ या ना? अब यदि आपने भोजन 12 बजे कर लिया, तो फिर शाम का भोजन, अब उसके बाद कुछ खाना है तो 4 घंटे बाद ही खाइए, और रात्रि का भोजन तो रात्रि को तो कुछ ना खाइए, सूर्यास्त के पहले कुछ खाइए। खान पान अच्छा कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सलादें फल ज्यादा खाएंगे, रोटी चावल कम खाएंगे, दालें ज्यादा पिएंगे, तो आपके शरीर में रोग ही नहीं हो सकता, ये मेरी लिखित में गारंटी है, यदि मेरे इस सिस्टम को फॉलो कर लेंगे तो, मेरी बताई बातें फॉलो कर लेंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बीमारियों की जड़ खाना ही होता है, और खाना भी कुछ भी। अब जैसे आप लोग गरम गरम आपने भोजन किया, उसके बाद ठंडी सी आपने आइसक्रीम खा ली, जैसे शादियों पार्टियों में हम क्या देखते हैं कि आपने खाया गरम गरम और उसके बाद ठंडी सी आइसक्रीम, अब बताइए कि आपके शरीर में आग लगी थी भोजन पचाने के लिए और आपने आइसक्रीम ठंडी सी डाल दी, तो भोजन क्या होगा, पचेगा नहीं, सड़ने लग जाएगा, क्योंकि ठंडा गर्म का कोई स्वभाव ही नहीं, मिक्स ही नहीं हो सकता। कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं खाने पीने के मामले में, उन्हें पता ही नहीं कि किसके बाद क्या खाना चाहिए, नॉलेज ही नहीं है, रत्ती भर ज्ञान नहीं। अच्छा बताइए, शहद और घी को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, बोलो, जहर हो जाता है। आप किसी को घी और शहद एक साथ पिला दीजिए, मर जाएगा। आप किसी को गन्ने, आप किसी को आम का रस और पेप्सी कोका कोला पिला दीजिए, मर जाएगा, दोनों मिल करके जहर हो जाता है। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है, लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं, इतनी मूर्खता कहां होगी। आइसक्रीम ठंडी होती है और भोजन पचाने के लिए आपके शरीर में एक आग होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो जठराग्नि आपके शरीर को क्या करती है, भोजन को
पचाती है, अब आइसक्रीम खा ली है तो आग बुझ जाएगी। इसलिए लोगों को ज्ञान नहीं है खाने पीने का भी, इसलिए बीमार पड़े रहते हैं हर दिन डॉक्टर के यहाँ, हर दिन डॉक्टर के यहाँ। चलिए तो आप में से कितने लोग खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे, खुद रखोगे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या खाओगे? जोर से और जोर से, फल, केला, सेब, अनार, पपीता और इत्यादि जितने भी फल होते हैं। सलाद खाओगे, टमाटर कच्चा खाओगे, ककड़ी कच्ची खाओगे, पालक के दो चार पत्ते चबा लिया करो, भिंडी दो चार कच्ची खा लिया करो, बच्चों को खवाया करो, सब ताकतवर चीजें हैं, ठीक है? हाँ, इसके बाद आप लोग रोटी कितनी खाएंगे आज से? रोटी कम, पेट किससे भरना है? पेट ज्यादा से ज्यादा सलाद से या फल से। अच्छा, फल और सलाद भी एक संग नहीं लिया जाता, ये भी मैं आपको बता दूं, फल और सलाद दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, समझिएगा। फल आपको कब लेना चाहिए? सुबह। नाश्ता हमेशा फल का करना चाहिए। नाश्ता हमेशा किसका? अंकुरित अनाज खाओ, चने अंकुरित खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, है ना, और जो भी अंकुरित दालें हैं वो खाओ, उसके संग एक एप्पल, एक केला, जो भी आपकी क्षमता है, एक या आधा, वो फल सवेरे खाना है। दोपहर के भोजन में सलाद खाना है और रात्रि को दूध पीना है, या सुबह फलों का रस, दोपहर को लस्सी और दोपहर को छाछ पी सकते हैं, शाम को आपको दूध पीना है। दूध पीने का सिद्धांत रात्रि का है, दूध भी पी के सोना नहीं है, दूध पीने के कम कुछ देर हमें चलना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी गणित है लेकिन आप समझें तो, और आधा घंटा तो रोज योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योग। कौन कौन कर लेता है योग? आप शीर्षासन कौन कौन कर लेता है? शीर्षासन कर लेते हो? हाँ या ना? ये दास अनिरुद्ध शीर्षासन रोज करता है। हम शीर्षासन में भी चार आसन करते हैं, आसन शीर्ष है, उसी शीर्षासन में हम पद्मासन लगा लेते हैं, उसी शीर्षासन में ही ये शीर्षासन, आप एक ही शीर्षासन में चार आसन हम कर लेते हैं, तो आसन करने से आप सदा स्वस्थ रहते हैं, सदा सुखी रहते हैं। इसलिए शीर्षासन और जितने भी आसन हैं, कुछ आसन सूर्य नमस्कार की 12 आसन हम सबको नित्य करनी चाहिए, ये बहुत अनिवार्य है स्वास्थ्य के लिए। तो कितने लोग जाग गए हैं स्वास्थ्य को लेकर? हाथ उठा के बताओ, आप कितनी रोटी खाएंगे? आपका भी वजन ज्यादा है आपके उम्र के हिसाब से, रोटी कम, सलाद, और ये सब बता रहे थे आप ताश खेलते क्यों? ताश, अब आप भागवत सुन के जाएंगे और लोगों के संग ताश खेलेंगे, लोग कहेंगे क्यों ये ज्ञान लेके आए हो, कैसे गुरु हैं आपके? फिर हमें लोग कहेंगे, लोग कैसे महाराज जी ने, गुरु ने ज्ञान दिया, बताओ ये तो यजमान जी हमारे ताश खेलते, तो आज से आप ताश नहीं खेलेंगे, बड़े भैया ने भी कह दिया नहीं खेलेंगे। आप दोनों भाई खेलते रहे साथ में, अच्छे भाई हो, अब नहीं खेलेंगे ताश, अब तो पूरे पालम गांव को भक्तिमय बनाने की जिम्मेदारी आपको, आपकी है। सबके घर जाना और बोलना श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जपो, श्रीमन्नारायण जपो, कथा सुनो, खूब भक्ति करो, भगवान का नाम जपो, कल्याण करो, जुआ ताश नहीं खेलना, है ना। हम गलत करेंगे तो हमें देखकर चार लोग और तैयार हो जाएंगे, अरे वो करते हैं तो हम भी करें, नहीं खेलेंगे, प्रॉमिस, सही। मैया से पूछता रहूंगा मैं फोन लगाकर, मैया फोटो भेज देना मेरे पास, यदि ये ताश खेलते कहीं बैठे दिख जाए आपको, तुरंत फोटो खींच के भेज देना हमारे पास। तो ताश नहीं, गलत काम नहीं, सदा स्वास्थ्य को ध्यान में रखेंगे। और कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी है, और सदा भगवान ने कहा मैं विपत्ति नहीं दूंगा, भगवान किसी को दुख नहीं देते, व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अच्छा बनता है, बुरे कर्मों से बुरे, और सारी जिंदगी आरोप किसको लगाता है? आरोप भगवानों को, भगवान ने बड़ा दुख दिया, भगवान ने कोई दुख नहीं दिया, जैसी करनी वैसी भरनी।